इस उपन्यास का अगला पाठ है फूल फूल पर पाने रस को जाता है भंवरा। सभागार। एक तरफ विद्वत जनों का समूह और दूसरी ओर मंत्री परिषद के सदस्य और सचिव। दरबार में सम्राट के आगमन की उद्घोषणा हुई। सीमांतक ने सबसे पहले नंदीवर्धन से आए प्रतिनिधिमंडल को बुलाया। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख कीर्ति शर्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, हमारा सौभाग्य है कि हमें सम्राट हरिशयन के दरबार में कविता पाठ का अवसर मिला है। सम्राट ने कहा, आरंभ करें। कवि वृंद ने वीणा सहित अनेक वाद्यंत्र सजाने आरंभ कर दिए। हरिशयन के दिमाग में उथल पुथल शुरू हो गई। उन्होंने सोचा, कवि वृंद कितनी आग्रह कविताएं सुनाते हैं, कितना बेबस होता है राजा। रुचि भी नहीं तो भी सुनते रहो। धर्म का दंड नहीं होता तो इन कठिन काव्य के प्रेतों को दूर से ही नमस्कार कर देता। गाथा सप्तशती की पहली कविता का पाठ हुआ। फूल फूल पर पाने रस को जाता है भंवरा, या दोष नहीं उसका है फूलों का रस जिनमें नहीं। कविता सुनकर हरिशयन सोचने लगे, मैं भी कभी महारानी सुगंधा, महारानी ईशीन और राजमहर्षि मधुमति के पास भटकता रहता हूं, लेकिन कहीं सुख नहीं है। कितनी गहराई है इस कविता में और क्या ही सच उपमा ली है कवियों ने भौरे के साथ पुरुष की। दूसरी कविता का पाठ हुआ। अंग अंग पर मेरे बिखेर जाता वह अपना देखना, बुहार देती उसे मैं, चाहते हुए उसे कि बिखेरता रहे वह बार बार। हरिशयन ने मन में सोचा, कितनी सुंदर कविताएं हैं और अब तक सभागार में सुनाई जाती दुरूह कविताओं की तुलना में कितनी सहज ग्राह है। सीमांतक को लगा कि कवि वृंद दी हुई समय सीमा को अतिरेक कर रहा है। दूसरी कविता के बाद सीमांतक ने कहा कि समय की मर्यादा है, सम्राट कविता का मोह ही नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन कुछ अन्य आवश्यक कार्य सम्राट को निपटाने भी हैं। ठहरो सीमांतक, समय सीमा निरर्थक मुलाकातों के लिए होती है। हमारे प्रिय कवि हाल की कविताओं के लिए कोई समय सीमा नहीं। कविवृंद, कुछ और कविताएं सुनाएं। उत्साहित कविवृंद ने देर तक कविताएं सुनाई। सरल सहज प्राकृत भाषाओं की इन कविताओं की संगीतमय प्रस्तुति ने सभागार के वातावरण को हल्का कर दिया। अंत में सम्राट ने कहा कि इस बार वसंतोत्सव के अवसर पर होने वाले स्वर्गीय सम्राट प्रवर सेन समारोह में आपकी भी प्रस्तुति होगी। कविवृंद को सम्मान राशि के साथ विदा कर दिया गया। सम्राट ने निकट खड़े प्रतिवेदकों से कहा, प्रजा में यह समाचार फैल जाए कि कला वत्सल सम्राट ने नंदीवर्धन से आए कवियों का न केवल सम्मान किया, अपितु उन्हें दिए गए समय से कई गुना अधिक समय देकर रुचि से कविता पाठ का आनंद लिया। चकित सीमांतक खड़ा रहा। उसने सोचना शुरू किया, राजा ने सच कहा है, पक्षी का बच्चा उड़ना नहीं सीखता, मछलियों को कोई तैरना नहीं सिखाता, राज परिवार को भी राजनीति सिखाई नहीं जाती, शायद अभिमन्यु की तरह गर्भ में ही पढ़ लेते हों।